यूपी के कानपुर में चोरों ने खजाने के लालच में पतालेश्वर मंदिर खोद डाला। शिवलिंग के बगल में चोर रात भर घंटा कोते रहे, सुबह होने पर वहां से भाग गए। चोर को कोई खजाना नहीं मिला, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। उधर लोगों का गुस्सा देखते हुए पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। घाटमपुर क्षेत्र में सैकड़ों साल पुराना पातालेश्वर मंदिर है। मान्यता है कि यहाँ का शिवलिंग पाताल तक गया है। लोग यह भी कहते हैं कि जब मंदिर बना होगा तब इसके आसपास खजाना भी रहा होगा। शायद इसी वजह से चोरों ने इसे वारदात को अंजाम दिया। लोगों ने बताया कि यह मंदिर गांव से बाहर बना है, रात में मंदिर के आसपास कोई नहीं रहता, इसलिए चोरों ने खजाने के लालच में पहले मंदिर के बाहर खुदाई की। वहां कुछ भी नहीं मिला तो शिवलिंग के पास 6 फुट का गहरा खड्डा खोद डाला। सुबह भक्तों के वहां पहुंचने से पहले चोर भाग गए। शिवलिंग के पास खुदाई देखकर शिव भक्तों में आक्रोश है। गांव वालों की भारी भीड़ आसपास जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वहीं एसपी रंजीत कुमार का कहना है कि यह काफ़ी प्राचीन मंदिर है, शिवलिंग के बगल में खुदाई की गई। गांव वालों की शिकायत पर पुलिस की टीमें चोरों की तलाश कर रही हैं। ऐसे वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।